तो दोस्तों फिर से लेके आ चुका हूँ तीन ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक जो कि यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, और एंट्री एग्जिट टारगेट एसएल सभी इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करने वाले हैं। पूरी वीडियो देखते रहेगा। सबसे जो पहला हमारा स्टॉक है वो है हमारा जुबल फार्मा का, सो लेट्स चेक आउट। तो ये रहा स्टॉक का चार्ट और डेली टाइम फ्रेम पे है। 609 का लेवल ब्रेक किया पहले, और फिर अभी 657 जो 656 का लेवल है वो भी प्राइस ब्रेक किया। दोस्तों अभी ध्यान से देखिएगा, अभी इसके वीकली मैं चार्ट में चलूंगा तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली नजर आएगा जो जो 657 का लेवल है। लेट मी सी, वही लेवल है जी 656 का। तो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला ट्रेंड लाइन, वो मैंने ड्रॉ की है लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे देख सकते कितनी बार इसने सपोर्ट लिया है दोस्तों इस प्राइस पे, और सपोर्ट लेना इतनी बार और वो भी इतने बड़े बड़े फॉल के बाद, वो भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको दिखता है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है। और ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट कैंडल के ओपनिंग के आसपास रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर भी रख सकते हो। 632 का एसएल रहेगा, 5% का एसएल रहेगा। तो टारगेट की अगर हम बात करें तो वो 7% का रहेगा फर्स्ट टारगेट, जो कि छोटा सा टारगेट है। इसमें आपको अपनी 80% होल्डिंग रखनी है और 20% होल्डिंग सेल करनी है, या 30% भी सेल आउट कर सकते हैं। 17% का टारगेट आपका रहेगा 786 रुपये का, जो कि स्विंग ट्रेड अगर थोड़ा लंबा खींचना चाहते हैं, और अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो 848 रुपये का लेवल आपको डेफिनेटली यहाँ पे 26% के लेवल दिला सकता है। हालांकि कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो जो भी बाइंग करोगे वो अपनी रिसर्च करके ही कीजिएगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है, सेकंड स्टॉक है जो कि सेलो वर्ल्ड का है। अभी छोटा सा यहाँ पे चार्ट दिखेगा वीकली में, क्योंकि बहुत सिंपल है यहाँ से, और ऐसा कुछ चार्ट अभी आपको दिख रहा है। देखिए अभी ये कुछ फॉर्म तो नहीं कर रहा है कुछ खास, बट ब्रेकआउट हुआ है तो मैं ब्रेकआउट दिखा रहता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। सो ये देखिएगा जहाँ से ओपनिंग हुई वहाँ पे ऊपर हाई जो बनाया वो मेन टारगेट हमारा लेवल था, और उसने काफ़ी बार सपोर्ट भी लिया और फिर उसे ब्रेक किया, तो काफ़ी अच्छा खासा मूव यहाँ पे नीचे को मिला। देखिए कितना मूव यहाँ पे नीचे को मिला है अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 13% का, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। और ब्रेकआउट हुआ 837 रुपये के लेवल का, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कैंडल के लो का, जो कि ऑलमोस्ट 4% का रहने वाला, 810 या फिर 12 रुपये का इतना रहने वाला है। 5% का टारगेट रहेगा, जो कि रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 890 रुपये का या फिर 888 रुपये का। तो ये छोटा सा टारगेट है, आपको बताया कि यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी 20-30% क्वांटिटी जो है सेल आउट करनी है। 977 का लेवल देखिएगा, 15% का टारगेट रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो 24% का टारगेट, जो कि 1050 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क कर लीजिएगा सेलो का। तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जो कि हमारा यहाँ पे जो है सेंस। तो लेट्स यहाँ पे मार्क सेंस फार्मा। तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे लेवल है और 171 रुपये 30 पैसे का लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से रेजिस्ट किया, फिर यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आ गया तुरंत, और यहाँ से रेजिस्ट किया, बहुत शार्प रेजिस्ट यहाँ भी मिला, और देखिए कितना तगड़ा रेजिस्टेंस अभी ब्रेकआउट हो चुका है। इस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे, एंड आपका ट्रेड रहेगा यहाँ पे, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये स्विंग हाई का, इस कैंडल की हाई का, जो कि 5.25% का स्टॉप लॉस रहने वाला है 167 रुपये का। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2-3% का रख सकते हो, बट रिस्क ऐसे ट्रेड्स में थोड़ा बहुत हमें रिस्क लेना भी पड़ता है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट की, 10-11% का टारगेट रहेगा, और अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो इसी स्टॉक में तो 21% की ट्रेड ले सकते हो, 214 रुपये का आपका लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।